हेलो एवरीवन वेलकम बैक बैक दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद विद एंड हियर आई एम अनदर वीडियो टीवाई बी कॉम का सेमिस्टर फाइव का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से स्टार्ट नहीं किया है आपको अगर कन्फ्यूजन लग रहा है कि अभी हम किस बेसिस पे कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे फोकस करें एंड काफी सारे बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसे वीडियोस को ढूंढते हैं कि एग्जैक्टली exactly कौन से चैप्टर्स को हमें पढ़ना है क्या पढ़ना है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्रैश कोर्सेस भी ढूंढ रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में काफी बार पूछे गए हैं एंड आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी उसकी ज्यादा है

बेसिस uh, पे कि अगर आपकी कुछ भी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई है तो सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेमिस्टर uh, फाइव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन देखते हैं एंड इफ यू रीड ऑल दिस क्वेश्चन इससे आपके थियरी क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे एज वेल एज इसी के साथ आपके ऑब्जेक्टिव रिलेटेड कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे तो इसका डबल एडवांटेज है लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग वन बाय वन और फिर मैं आपको चैप्टर्स भी बताता हूं तो वीडियो को स्किप ना करें ध्यान से सुने जो जो चीजें मैं बता रहा हूं नंबर फर्स्ट कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन शॉर्ट कॉल्ड एस सी इसके ऊपर आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने मिलेगा पेपर में सीएसआर हो एथिक्स हो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जो आपके सिलेबस का थियरी चैप्टर है सेकेंड इज डिस्क्लोजर ऑफ टेंजिबल असेट्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट तो कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है वर्टिकल बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें आ, कौन से पॉइंट्स कहाँ डिस्क्लोज किए जाते हैं उसके ऊपर भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं नेक्स्ट इज अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो कैपिटल रिडक्शन का चैप्टर है विद दैट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो है दैट इज रिलेटेड विद अमाल तो उसके ऊपर डिफरेंस आपको पढ़ के रखना है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में प्रिपेयर करते हैं एंड वो क्यों प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में ऑल दिस पॉइंट्स यू हैव टू प्रिपेयर नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज यूजअली दिस क्वेश्चन कम्स इन नॉर्मली ऑल द पेपर्स दैट इज अबाउट बाई बैक मैग्जिम लिमिट्स ऑफ बाई बैक जो बाय बैक के कंडीशन है जो बाई बैक के रूल्स है वो सारे आपको प्रॉपरली पढ़ के रखने हैं वो सारे आपको शॉर्ट नोट्स में यूजफुल होंगे नेक्स्ट इज अबाउट प्रिंसिपल बेस अप्रोच टू प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स दिस इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सी एस आर जहाँ पर आपको एथिक्स के ऊपर और कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट इज प्री एक्विजिशन डिविडेंट दिस प्री एक्विजिशन डिविडेंट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है जैसे कि uh, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट ऑल दिस पैरामीटर्स विल बी आस्ट तो उसमें से एक कंसेप्ट है प्री एक्विजिशन डिविडेंट का शेयर्स वाला कंसेप्ट है जहाँ से ये पूछा जाएगा नेक्स्ट इज मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग तो मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग काफी इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ के रखे बिकॉज एक दो पेपर में ये भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछे गए हैं नेक्स्ट इज अबाउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेज दिस इज अबाउट फ्राम द चैप्टर ऑफ फाइने द फाइनल अकाउंट्स तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है नेक्स्ट इज एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस तो दिस इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कि एक्स इंटरेस्ट क्या होता है कम इंटरेस्ट क्या होता है जो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में कैलकुलेट करते हैं हम दैट विल बी द पॉइंट्स विच यू हैव टू स्टडी नेक्स्ट इज इलेवेंथ नंबर का शॉर्ट नोट दैट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज क्या होते हैं कितने पॉइंट्स को हमें कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कहना है ऑल दिस फैक्टर्स यू हैव टू स्टडी नेक्स्ट इज अबाउट अगेन द चैप्टर ऑफ बाई बैक बेनिफिट्स ऑफ बाई बैक के क्या बेनिफिट्स है बायबैक के क्या रूल्स है मैंने काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी बनाए थे बायबैक पे अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हो तो प्ले लिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है

स इन द बैलेंस शीट तो ऐसा ही सेम अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था डिस्कलोजर ऑफ टैंजिबल अट्स इन द बैलेंस शीट तो इसके लिए आपका फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट पी एंड एल का फॉर्मेट बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा क्लियर होना चाहिए तो ही आप इसके बेसिस पे जो है वो आंसर कर पाएंगे तो दीज आर द फिफ्टीन क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा लेकिन इसी में से क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आपको काफी सारे पॉइंट्स एक तो क्लियर हो जाएंगे एज वेल एज शॉर्ट नोट्स में काफी सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने मिल सकते हैं एंड विद दैट आपको थियोरी क्वेश्चंस पढ़ने के साथ उसका दूसरा एडवांटेज होता है objectives. तो objectives के लिए भी आपको ये जो है वो हेल्पफुल हो पाएगा सो देखा आपने किस तरीके से हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थियरी क्वेश्चन देखे इसी तरीके से हम कॉस्ट अकाउंटिंग के भी थियरी क्वेश्चन देखेंगे और अगर अभी तक आपको कुछ भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नहीं आता है आपको डर लग रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो एप के अंदर एक कोर्स लॉन्च किया है मैंने ज्यादा कुछ फीस नहीं है उसका वैसे ही आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा लेकिन अगर आप ये यूट्यूब में जा रहे हो तो एक कोड दे रहा हूं मैं आपको वो कोड आप सिर्फ यूज करेंगे अगर आप वो कोड यूज करेंगे तो और आपको 50 परसेंट ऑफ उस पर मिलेगा एंड कोड कोड का नाम है आर एस एम फिफ्टी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कोड वहां से भी आप कोड को एक्सेस कर सकते हो और सीधा एनरोल हो जाए और जितनी भी चीजें हैं सब चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपको वहां पे मिलने वाली है तो मैं मिलता हूं आपको कोर्स के अंदर थैंक यू वेरी मच